आज के वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, पहलाद और प्रणाम, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज वीडियो होने वाला है बहुत ज्यादा खतरनाक, तो मैं करने जा रही हूँ आज एक प्रैंक, वो भी प्रैंक आज मैं करने वाली हूँ मार्केट में, और करने वाली हूँ आज मैं सब्जी वाले भैया के साथ। तो मैंने सोचा कि कुछ तगड़ा तो सोचा, सारी बहन विनीता कुछ कम नहीं सोचती है, मार्केट में प्रैंक कर देगी यार सब्जी वाले अंकल जी के साथ। तो मैं इस तरफ होंगी, अंकल जी की दुकान जस्ट पास में है थोड़ा दूर, और वो होंगे हमारे उस तरफ, मेरे पतिदेव जी पता नहीं कहाँ गए लेकिन थे वो यहीं कहीं, वो होंगे उस तरफ से, और या उस तरफ होंगे या कहीं भी, जैसे एंगल देख लेंगे कि कौन से एंगल से अच्छा सूट होगा या किस तरफ से मतलब अच्छी वीडियो बन पाएगी हमारी, और हम एक अच्छा प्रैंक अंकल जी के साथ कर पाएँ, तो देखते हैं कैसा होता है। तो चलो शुरू करें अंकल जी के साथ प्रैंक। तो भाई हमारे कैमरा मैन आ गए इधर पे, और ये फोन रिकॉर्डिंग के लिए इसको ये दे रहा हूँ मैं, और फटाफट से अब जाके जल्दी से स्टार्ट। चलो तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पे सब्जी वाले अंकल जी की दुकान में, तो यहाँ से लेते हैं देखो सब्जी, और कैमरा मैन देखो मेरे वहाँ से शूट कर रहे हैं। और अंकल जी नमस्ते, कैसे हो? बढ़िया, ठीक ठाक हो? बढ़िया। अच्छा, सब्जी तो आज ताजी ताजी दिख रही है, डेली ताजी आती है, ताजी आती है रोज। अरे मेरे को लग रहा है ये कलौती आप ही की दुकान चलती है इस खटीमा में, तो ताजी आती है ना शाम को फिर जाती है। हेलो अंकल जी, फिर क्या दे रहे हो, ये खीरा क्या दे रहे हो? चालीस का दे रहे हो? अच्छा, और ना टमाटर 50 तो डाल दो, 1 किलो टमाटर तुम डालो, बढ़िया है, मोबाइल दे। अच्छा मोबाइल क्यों? मोबाइल रख लो अपने हाथ से डालो, इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा ना आप डाल दो ना अंकल जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप डाल दो। चलो अंकल जी ये लो, ओके 1 kg। और ये सरसों, शिमला मिर्च कैसी दे रहे हो? शिमला मिर्च 30 रुपये पाव, आधा किलो 50। अच्छा शिमला मिर्च, हाँ हाँ दे दो। हैं आलू कितनी? आलू कुछ नहीं चाहिए ये। ना तो पैसे अभी तो दिए थे अंकल जी यहाँ पे, तुमने कुछ नहीं दिया, अभी यहाँ पे रखे थे मैंने। नहीं दिया, सब ध्यान करो। अरे अंकल जी अभी तो मैंने पर्स से निकाले थे, पर्स इधर पे रखी गई, मैं उधर को चले गई थी। अरे नहीं निकाले भाई आप। अरे अंकल जी सच में, अरे नहीं निकाले बाबा, नहीं निकाले आप सच में अंकल जी, मेरे नहीं निकाले मेरे पास ना अंकल जी, दोबारा आपने रखी हो देखो, निकाले नहीं आप। मैंने निकाले ना अंकल जी, आपने मेरे हाथ में देखे होंगे पैसा। अरे मैंने नहीं देखे, जब बोलना निकाले थे नहीं रखे हुए अंकल जी, सच्ची में निकाले थे। आपका 100 रुपये रखा हुआ है ये? अरे इनमें से ना 2 नोट थे मेरे पास 100 के ऐसे, एक बार देख लो कहीं से। इधर आए तुम लोग, 100 का नोट भी नहीं इतना खराब मेरे पास। अरे ना वहाँ नहीं, अब मैंने यहाँ पे रखा, वहाँ थोड़ी रखा। हाँ मैं जब ऐसे आप उधर को गए ना, मैंने इधर पे पैसा रखा। अरे तो मेरी बात तो सुनो, आपके यहाँ कहीं ऐसा होता उड़ जाता तब भी होता, बात तो बताओ कहीं तो होता। अरे अंकल जी, अरे मैंने नहीं छुआ आपका, देखा भी नहीं, मेरी बात तो मानो। मैंने रखा था अंकल जी। टमाटर कैसे दिए अंकल? टमाटर 50 है। अरे अंकल ये तो बताओ, मैंने देखा भी नहीं नोट आपका अंकल जी, सच में मैंने इधर पे रखा था पैसा। अरे आपने रखा भी नहीं, मैंने देखा भी नहीं अंकल, आपके पास में 6 करोड़ रुपए रखा हुआ है, ये वही नोट है? नहीं नहीं वो नोट नहीं अंकल जी मेरे पास, ये ऐसा भी हॉस्पिटल से आ रही हूँ अंकल जी। इन्होंने कह रही मैंने यहाँ रखा है, सौदा ले रही थे, तुमने पहले कैसे रख दिया नोट? अरे ये तो चोरी लग रही है मुझे छकल जी, अरे ये तो चोरी लग रही है मुझे छकल जी। अरे चोर दिख रही हूँ क्या मैं अंकल जी? अच्छा, मैं मैंने अभी चोर भी आ रहे मार्केट में। अरे आपने अंकल जी, मेरा वो 100 का नोट था जिसमें महात्मा गांधी थे, मेरा चश्मा वाला था, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई
मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। अरे चश्मा सब में लगा हुआ, नोट में इसमें देखो अभी चश्मा लगा हुआ। अरे अंकल जी बच्चा तो लग रही हूँ क्या मैं? बेटा आप इसके बेटा मम्मी है, मम्मी हूँ ना मैं आपकी। तो फिर क्यों कह रहे हो फिर ये अंकल जी की चोर लग रही है अंकल ये तो? अरे भैया मुझे टमाटर दे दो 1 केजी यार। अरे यार छी आप हटो तो यहाँ से निकलो जाओ, पता नहीं कौन आ गए हैं इधर पे, मेरा हिसाब किताब नहीं हो रखा, टमाटर मांग रहे इधर पे से। बेवकूफ नहीं बना रहे हो अंकल जी, सच में नहीं दिया भाई, नोट नहीं दिया अंकल जी, सच में मैं यहाँ से आई ना, मैंने यहाँ पे रखा था। तो तुमने क्यों यहाँ रख दिया जब मैं सब्जी तोड़ रहा हूँ? मैंने बोला कि मैं उधर पे एक बार ऐसे ये चोर लग रही है मुझे, सच में मैंने रखा था। क्या क्या सामान दिया इसने? अरे बाबा आपने नहीं दिया, क्यों झिंझर में डाल लिया? अंकल जी नहीं दिया भाई, नहीं दिया, मेरी बात तो मानो, आपने नहीं दिया नोट। अरे आपको ध्यान है, आपने नहीं दिया, बात मानो। मम्मी है आपकी? क्यों आप इस तरह? मम्मी हो ना उसकी, बनाऊं आपकी वीडियो? हां अंकल जी तो छुट्टियां बना रहे हो, वीडियो वीडियो नहीं बनानी है, इधर पे निकलो इधर से जल्दी, चोर लग रही हूँ क्या मैं इसको? कोई ऐसे दिए नहीं और तुम्हारा यूपी वीडियो सारा बंद कर दूंगी मैं। कुछ भी देख लेना, हम कोई छपरी है क्या? छपरी गैंग लग रहे हो तुम इधर से, पैसे रखेंगे तो रखेंगे। अरे अंकल जी मजाक कर रहे, मजाक कर रहे थे, मजाक कर रहे थे अंकल जी को पैसे। आपके यहाँ सब्जी लेने के लिए आपके साथ मजाक कर रहे थे आज, हमने कहा चलो मजाक कर लेते हैं। छोटा सा प्रैंक कर रही थी आपके साथ। नहीं लगता अच्छा जो अंकल जी सुनो इधर। अंकल जी गुस्सा तो नहीं हुआ? बात सुनो, बात सुनो, बात नहीं है। नहीं नहीं मजाक कर रहे थे। और ये देखो, ये देखो फोन में रिकॉर्डिंग हो रही है। रोजाना आते हैं हम आपकी दुकान में, इसलिए हमने कहा आज अंकल जी से मजाक कर लेते हैं, हम इसको यूट्यूब में डालते हैं वीडियो, देखना आप, आप देखना। और आप लोग भी अंकल जी के दुकान में आइए और बहुत ही ताजी ताजी सब्जी देते हैं अंकल जी हमारे, थोड़ा सा मजाक करा। अंकल जी की दुकान है सीधा देसी मदिरा के डायरेक्ट सामने, अंकल जी की शक्ल पहचान लो। हाँ इनको कुछ नहीं दिख रहा है, मदिरा दिख रहा है इनको सबसे पहले, मदिरा की दुकान। वो गुस्सा भी नहीं हो? नहीं सच में आपका गुस्सा नहीं हो ना? नहीं नहीं सच्ची। एक बार लाइक कर दो, एक बार ऐसे लाइक कर, लाइक कर दो, बोल दो लाइक कर दो, बोलो लाइक कर दो, नहीं गुस्सा हो रहा, सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस यही है वो दुकान और अंकल जी अंदर हैं इनके साथ, छोटा सा हम लोगों ने प्रैंक किया था। तो कैसा लगा कमेंट में बताना, अंकल जी नाराज नहीं है, बिल्कुल भी नाराज नहीं है वो, तो अंकल जी अच्छे थे ना। वीडियो डाल लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, डाल ले वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना प्रैंक, और ऐसी प्रैंक आते रहेंगे मार्केट में, करते रहेंगे ऐसे प्रैंक, आपकी डिमांड पे कहा था ना आपको कि एक खतरनाक सा अलग सा प्रैंक आने वाला। ये भैया भी आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं भैया हमारे, अच्छा चैनल है पी सोरियाल प्रैंक्स करके, एक है एक है पी फॉर पहाड़ी ब्लॉग्स करके, उसमें ब्लॉग आते हैं डेली, और एक प्रैंक आते हैं वो अंकल जी के साथ, हमने यहाँ प्रैंक कर दिया, गाली गाली कह दिया कि हमने तुम्हें पैसे दिए थे हमारे पैसे लौटाओ, अंकल जी परेशान हो गए थोड़ी देर के लिए। तो बाकी आप लोग समझ ही सकते हो कि कितना मतलब रिस्क वाला काम लिया इधर पे, थारी बहन बिनीता ने कुछ घर पे, थारी बहन बिनीता ने कुछ कम रिस्क नहीं ले रखा है बीच मार्केट में आके। तो गाइस आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, प्रैंक कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना, और हम आपके साथ ऐसे नए नए वीडियो नए नए प्रैंक लाते रहेंगे ऐसी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रैंक में। बच्चा तोड़ नहीं हो भाई साहब, बच्चा तोड़ बना दिया इन्होंने मुझे।